अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ बन रहा है जी नाश्ता, और नाश्ते का ये सीन है जी, गैस इस टाइम बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है। और कल भी मैंने जो ना पराठे बनाए थे बिल्कुल ही सख्त हो गए थे, और रोटी बनाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया। तो अब मैं सोच रही थी कि या तो फिर ब्रेड कर लूँ, तो ब्रेड और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं फ्रोजन पराठे कर लेती हूँ, और साथ जो है ना सालन, उसके साथ हम नाश्ता कर लेते हैं। और ये तवा जो है ना, अभी मुझे एक साल भी नहीं हुआ और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है नॉन स्टिक की ना, जितना मर्ज़ी आप ले लो तो जो ज़ाहिर जो चीज़ आपकी डेली यूज़ में होती है ना, तो वो ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैंने एक साइड पे चाय रखती है ताकि चाय बन जाए, और क्योंकि अगर दोनों चला लेना तो फिर तो काम बिल्कुल ही नहीं होता, तो एक टाइम एक ही चलता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं चाय बना के एक साइड पे कर दूँ, उसके बाद मैं पराठे जो है ना सेक लूँगी, और फिर सालन तो ओवन में ही हो जाना है। और मौसम जो है 3-4 दिन से बिल्कुल ही ऐसे है, बिल्कुल ही मतलब कि धूप निकलती नहीं है, लेकिन आज थोड़ी सी निकली है, लेकिन वो भी उसकी तपिश वगैरह नहीं है ना, क्योंकि फॉग या स्मॉग इतनी ज़्यादा है कि ना होने के बराबर है धूप। और सोच रही थी कि लॉन्ड्री भी आज कर लूँ, बस छोटे मोटे काम है। तो फाइनली जी पराठे बन गए थे, बच्चों को मैंने दे दिए साथ के साथ, और यहाँ बस मैं चाय डाल रही हूँ। और थोड़ी सी बहुत सी धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा चलें जी, थोड़े बहुत यूनिफॉर्म थे बच्चों के, वैसे तो हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो ये वॉश कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी इसको हवा लग जाए। और जी बस यहाँ मैं इसको मशीन में डालूँगी। और जो मेरा लिक्विड है ना ख़त्म हो गया था, और ये मुझे मंगवाना है, तो फिर मैंने यही वाला सर्फ डाल दिया, और मैं इसी तरह ही डाल देती हूँ। अगर उसकी कंटेनर में जो जगह बनी हुई ना, तो फिर वो उनके पार्टिकल से रह जाते हैं, तो बस ऊपर से मैंने डाल दिया है। जस्ट यूनिफॉर्म है, थोड़े से कपड़े हैं, तो बस इसको हम चला देंगे काम पर। और जी हमारे घर में ना, हर कमरे में, रूम में जो सोने के लिए अलग से पिलूस होते हैं, हर एक के पिलूस अलग अलग हैं, इसलिए फिर मुझे कवर भी अलग अलग रखने पड़ते हैं, क्योंकि निशानी रह जाती है। और पता नहीं, मुझे भी यही आदत है कि अपना पिलू पे ही नींद आती है, और बच्चों को भी यही आदत है। तो यहाँ रंग बिरंगे से पिलूस हैं, इनको मैंने एक साइड पर किया है, रूम सेट किया, और ये देखें यहाँ थोड़ी बहुत रोशनी सी है, नहीं तो बिल्कुल ही 2-3 दिन से तो ना, मतलब कि जो विंडो ग्लास होता है इस पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी इस पर फोक थी ना, तो आज फिर भी कुछ मौसम बेटर है। तो बस चलें जी, जब तक कपड़े मेरे वॉश होते हैं तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, और ये ऑयलिंग जो है ना, ऑयल को मैंने थोड़ी देर हीटर के सामने रखा था, थोड़ा सा वार्म हो जाए, क्योंकि बहुत ठंडा, वैसे भी ऑयल जो है ना थोड़ा सा वार्म ही लगाना चाहिए। तो बस मैं थोड़ी सी चैम्पी अपने करूँगी और बेटी की भी करूँगी, और उसके बाद जी फिर और कोई काम करूँगी, जब तक फिर 1 घंटे तक आलमोस्ट फिर हम शावर ले लेंगे। यहाँ जी मैंने ऑयलिंग की, और सर्दियों में बहुत दिन हो जाते हैं, फिर डैंड्रफ बहुत हो जाती है ना बच्चों के। और कपड़े आलमोस्ट जो ना वॉश हो गए थे, तो मैं सोच रही थी अभी मैं इसमें टॉवल भी लगा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं शाम हो गई है तो फिर यही सूख जाए तो बड़ी बात है, और फिर मैंने बस यही धोए कि थोड़े थोड़े डेली भी हो जाए ना तो बड़ी बात है, क्योंकि फिर 2 से 3 दिन तो इनको लगते हैं जो मोटे कपड़े होते हैं इनको ड्राई होने में।
तो बस इनको निकालूंगा, और इनको भी मैंने इधर टेरेस पे रख दिया था क्योंकि थोड़ी सी यहाँ ना रोशनी आ रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी इनको जो है ना थोड़ी बहुत जितनी भी धूप लग रही है लग जाए, मतलब कि ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, अभी शाम का टाइम है, मतलब कि 3 बजे का टाइम होगा, और अभी ऐसी है धूप, बिल्कुल मध्यम सी धूप है जो कि बिल्कुल भी नहीं चुभने वाली है, आप बैठते भी हो ना तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और बस यहाँ मैंने रख दी हैं, और ये मैंने गाजरें मंगवाई थी जूस के लिए, लेकिन जब भी मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं जूस के लिए मंगवाती हूँ ना तो मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है, हर सर्दियों में ऐसा होता है। तो फिर मैंने कहा चलें ये आई थिंक 3 किलो है, तो इनका हलवा बना लेती हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, चले वैसे भी हेल्दी होता है। तो ये मैंने जो है ना दूध और खोया मंगवाया हुआ था, चीनी मैं स्टोर रूम से निकाल के लाई हूँ, तो बस मैं इनको वॉश करूँगी, इनको साफ़ करके इनकी कटिंग शटिंग करती हूँ। हमने साफ़ कर ली क्योंकि मैं इनको हमेशा ऊपर से साफ़ करती हूँ, इनके बाल से ना हलवे में नज़र आते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और ये जी झटपट से हमने जो नहीं कद्दूकश भी कर ली हैं, गाजरें हैं, तो बस अभी इन्हें डालेंगे दूध में और चीनी के साथ इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब सर्दियाँ हैं, मतलब कि काफ़ी महीनों से लाइट नहीं जा रही, लेकिन अब जब से ये मौसम ख़राब होना शुरू हुआ है ना तो लाजमी 1 से 2 दफ़ा लाइट जाती है शाम के टाइम, तो अब जो है ना और लाइट गई हुई है। तो ये दूध जो है ना मैंने बॉयल कर लिया पहले, और बस इसमें गाजरें डालूंगी, और ये मतलब के 2.5 किलो 3 किलो दूध है, और 3 किलो ही गाजरें थी, बस थोड़ी रह गई होंगी। और जी इसमें जो है ना 1.5 कप मैंने शुगर का डाला है, मतलब 1 कप भर के डाल दिया, एक बिल्कुल हल्का सा डाला। अगर आपको बिल्कुल ही फीका पसंद है ना तो आप 1 कप ही डालो, लेकिन ये नॉर्मल है, ज़्यादा मीठा नहीं होता क्योंकि इसमें खोया ऐड होना तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। 1 कप मैंने डाल दिया, और एक थोड़ा सा डाला मतलब हाफ से भी हाफ कप मैंने इसमें जो है ना चीनी का ऐड कर दिया है। अब इसको जी स्लो हीट पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, और जब तक ये बिल्कुल इनको हमने खुश करना है दूध को ना, तो स्लो हीट में पकाएंगे ताकि गाजर जो है गल जाए। और अभी भी गैस जो ना सही तरह नहीं आ रही, और शाम को आई थिंक 5 बजे के बाद ही थोड़ा सा प्रेशर आता है। और ये हलवा है जो हलवा नहीं है, खोया है 1 पाव, और थोड़े से इस दफ़ा मैं बादाम और काजू भी डाल रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी फ्राई पैन में, देन फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी लास्ट में। और ये इसकी कंडीशन है, बिल्कुल खीर जैसी बन गई है, और गाजरें जो ना बिल्कुल गल गई हैं, तो बस हमें तेज़ आँच करके ना तो इनको खुश करना है, मैंने दूध और मतलब इसमें जो पानी है या दूध है ना बिल्कुल ही खुश्क हो जाए, फिर इसमें हम जी देसी घी डालेंगे और फिर इसको भून लेंगे। और ये देखिए जी अभी बिल्कुल खुश्क हो गया, कि बिल्कुल भी पानी का बबल या पानी नज़र नहीं आ रहा, दूध या पानी कुछ भी जो लिक्विड है। तो अब हमने इसमें जो है ना 1/2 कप ही देसी घी डाला, मुझे ज़्यादा घी पसंद नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें खोया भी जाना है, और ये सारा दूध में बना है तो फिर इतना हैवी नहीं मुझे अच्छा होता है, कि जो चीज़ फ़ायदा दे रही है तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहें कि ऑयली हो जाता है ना, हैवी हो जाता है। तो बस इसमें 1 कप से भी कम मैंने अंदाजे से ही डाला है देसी घी, के तैरता हुआ नज़र ना आए हलवे में, तो बस जितने में वो अच्छी तरह भून लूँ मैं उतना ही डाला है मैंने। अब इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है, और जब आपको लगे कि ये भून चुका है उसके बाद हमने इसमें खोया ऐड करना है, और जो हमने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करने हैं वो ऐड करने हैं। बादाम अक्सर लोग छिलके उतार के जो भुगोते हैं, छिलके उतार के तो उनको सुखा के भी डालते हैं, बट मैंने तो ऐसे ही डाल दिए, और ये मैंने रोस्ट कर लिए थे। अब इसमें जो है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम करके मैंने इसमें खोया ऐड करना है और फिर बंद कर देना है, क्योंकि खोए के साथ इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जो है ना इसको ऐड करना। और इतना जो अगर आप मतलब 2.5 किलो रह गई होंगी गाजरें साफ़ करने के बाद, तो आपका एक डोंगा जो ना इजीली जो ना बन जाता है, तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं, तो 1 हफ़्ता गुजर जाता है और ताज़ा ताज़ा बंदा फिर बना लेता है, इतना टाइम भी थोड़ा लगता है और फ्रेश फ्रेश भी बन जाता है। और ये देखें जी ज़्यादा खोया ऐड करना है तो आप 1/2 kg कर लें, बट मैं तो 1 पाव करती हूँ, तो मतलब काफ़ी होता है मतलब इतने से गजरेले के लिए। तो ये जी हमारा रेडी शेडी हो गया है, और सालन मेरा बना हुई ये निहारी कल रात की लेफ्ट ओवर, बस वही खाना खाएंगे। और ये जी हमारा मज़ेदार सा गजरेला जी तैयार हो गया है, तो अब इसको हम टेस्ट भी करते हैं। और अब जी गरम गरम गजरेला हमने टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार बना है, और यहीं भी एंड करूँगी, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।